भूचाल आने में 24 घंटे बहुत होते हैं। हाल फिलहाल में दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कुछ ऐसा ही हुआ। अभी से ठीक कुछ घंटे पहले दोस्तों सुपर शो हो रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों का, जहां ये चीज बताई जाती है एडम पेयर्स के द्वारा कि ज़ेलिना वेगा इंजर्ड हो चुकी है और अब मैक्सिम डुपरी उन्हें रिप्लेस करेगी, जहां शेना वर्सेस मैक्सिम डुपरी मैच होता है और उसके अंदर शेना बेजलर जीत जाती है और क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में एडवांस कर जाती है। यहां किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का भी मैच हुआ जहां कोफी किंगस्टन ने रे मिस्टीरियो को फेस किया। सब जानते हैं रे मिस्टीरियो काफी ओपी सुपरस्टार है, लेकिन वो कोफी किंगस्टन से इस मैच में हार गए, वो भी क्लीन तरीके से। यहां कोफी किंगस्टन ट्रबल इन पैराडाइज लगाकर उनकी पिनफॉल ले जाते हैं। तो गाइस कोफी किंगस्टन एंड शेना बेजलर जो है एडवांस कर चुकी है और आगे जाकर दोस्तों आप लोगों को इनके मैचेस देखने को मिलेंगे। यहां दोस्तों WWE वालों की जो तरकीब है कहीं ना कहीं फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, जिस तरीके से दोस्तों जो लाइव इवेंट्स में क्वालिफायर से रख रहे हैं। यहां फैंस काफी ज्यादा कंफ्यूज है क्योंकि WWE वाले दोस्तों इसे पर्टिकुलर शो रॉ एफर्ट्स मैडोन में भी रख सकते थे। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों इसी के साथ लिस्ट काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है इंजर्ड सुपरस्टार की, और गाइस ये मेरे सामने आए। यहां शॉट्सी, डेल टोरो, सीएम पंक, ड्रू मैकइंट्रा, बॉबी लैशली, रिया रिप्ली, डोमिनिक मिस्टीरियो, जेमी सेथ, ज़ेलिना वेगा भी ऐड हो चुकी है और आस्का तो इंजर्ड है ही। तो गाइस इतनी लंबी लिस्ट हो चुकी है जो कि काफी अनफॉर्चुनेट है कंपनी के लिए, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। इस समय दोस्तों ये जितने भी 8-9-10 सुपरस्टार है ये शेल्फ पर है। कुछ एक दोस्तों हम लोगों को अपीयरेंस देते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि ड्रू मैकइंटायर, लेकिन गाइस यहां का रेसल करना वैसे भी पॉसिबल नहीं है। हम बात करेंगे दोस्तों इससे अगली न्यूज की जो कि काफी दर्दनाक और दिल दुखाने वाली है। तो WWE वाले दोस्तों अब एक बड़ा चेंज लाने वाले हैं अपने प्रीमियम लाइव इवेंट्स में। दरअसल कल डेना वाइट में कॉन्फ्रेंस ने ये चीज बता दी कि आगे जाकर जो WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट रहेगा वो आएगा सोमवार को। डेना वाइट दोस्तों UFC प्रेसिडेंट है, लेकिन अब WWE एंड UFC एक हो चुकी है, तो ऐसे में डेना वाइट भी बहुत सारी इनसाइडर न्यूज हम लोगों को देते हुए आगे नजर आएंगे और नजर आए भी हैं। डेना वाइट ने ये चीज कही है कि अब UFC जो है वो आया करेगा संडे को और जो सोमवार को रहेगा वो WWE आया करेगा। दरअसल US एंड भारत की समय सारणी में 24 घंटे का फर्क है, तो वहां सैटरडे को होता था लाइव इवेंट WWE वालों का, प्रीमियम लाइव इवेंट WWE वालों का, जो कि हमें संडे को देखने को मिलता था, लेकिन अब UFC होगा सैटरडे को और संडे को होगा WWE। माना दोस्तों आपको अब प्रीमियम लाइव इवेंट सोमवार की सुबह देखने को मिलेंगे। तो काफी दर्दनाक दोस्तों अपडेट दिया डेना वाइट ने और गाइस कहीं ना कहीं नाखुश कर दिया है। डेना वाइट ने एक अच्छी चीज कही है कि अगर उनके UFC के प्लेयर WWE में जाकर सुपर फाइट देना चाहते हैं, ड्रीम मैच देना चाहते हैं, तो वो चीज़ कर सकते हैं। उनकी विंस से दुश्मनी थी लेकिन ट्रिपल एच से उनका काफ़ी अच्छा रिलेशन है। बात करेंगे दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों द बीस्ट ब्रॉक लेसनर से। वाइज फैंस आते हैं द बीस्ट ब्रॉक लेसनर को अगेंस्ट कोडी रोड्स। यस हाल फिलहाल में दोस्तों रेसल ट्रैकर की अपडेट आती है जो कि लिखते हैं बुक मार्क दिस, द बीस्ट रिटर्न्स एट SummerSlam 2024, यानी कि ब्रॉक लेसनर उनके अकॉर्डिंग आने वाले हैं SummerSlam में। इससे पहले कई अपडेट्स है आई थी कि गाइस लेसनर के लिए स्लॉट खाली है और SummerSlam के अंदर एक रिटर्निंग सुपरस्टार की नीड है जो कि लेसनर आकर पूरी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ फैंस क्या चीज कह रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी होना चाहिए और इसके चांसेस भी है। दरअसल कोडी एंड ब्रॉक की काफी लंबी राइवलरी रही है और एंड में दोस्तों ये गले वले लगते हैं और काफी अच्छा मूवमेंट देते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में कोडी ने फिमोरा लॉक लगाकर लेसनर का कहीं ना कहीं उन्हें इनवाइट कर दिया है। लेसनर के अलावा ये जो सबमिशन था कोई नहीं लगाता था मेल सुपरस्टार्स में, और ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं अब फैंस एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं डिमांड कर रहे हैं लेसनर वर्सेस कोडी जो कि एक बनी बनाई राइवलरी उसे फिर से शुरू किया जाए। यहाँ दोस्तों अगर लेसनर इस राइवलरी में आते हैं तो वो चीज़ कर पाएंगे जो कि पहले नहीं कर पा रहे थे, वो था अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप जितना रोमन रेंस से आने के बाद वो प्रतिबंधित थे। अब देखते हैं दोस्तों क्या लेसनर वाकई में कोडी को ही आकर फेस करते हैं या फिर नहीं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की एक वायरल तस्वीर से। तो हाल फिलहाल में दोस्तों ये तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, हालांकि पता नहीं लग पाया है कब की तस्वीर है, लेकिन यहां दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रोमन रेंस दिखाई दे रहे हैं अपने फैंस के साथ, ग्रोसरी का सामान उन्होंने हाथ में पकड़ रखा है और फैन दोस्तों काफी खुश नजर आ रहा है और ऐसे करके दोस्तों उसने हाथों से बना रखा है। कि इस तस्वीर के बारे में ज्यादा पता नहीं लग पाया कब की तस्वीर है, लेकिन ये काफी तेजी से वायरल हो रही है ये कहते हुए कि ये ट्राइबल चीफ की अभी की तस्वीर है। तो देखने से तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी की तस्वीर है, क्योंकि रोमन रेंस की काफी ज्यादा दाढ़ी बढ़ी हुई है,
हालांकि ये अगर अभी की भी तस्वीर है तब भी दोस्तों काफी अच्छा लग रहा है ट्राइबल चीफ को एक लंबे टाइम के बाद देखते हुए। यहाँ दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो है, रोमन रेंस से जुड़ा हुआ काफी वायरल हो रहा है। तो लगभग 78 मिलियन शादियां हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ ट्राइबल चीफ। तो रोमन रेंस दोस्तों 3.5 साल तक चैंपियन थे और इस दौरान 78.3 मिलियन शादियां वर्ल्ड वाइड हुई है और उनसे कितने ही बच्चे हुए होंगे आप समझ लीजिए। ट्राइबल चीफ का रेन ज्यों का त्यों था, वो किसी से हराए नहीं जा रहे थे, इवन अभी हारे हैं जिसके अंदर आप जानते हैं मल्टीपल सुपरस्टार्स की दखल अंदाजी थी। लेकिन ओवरऑल दोस्तों ट्राइबल चीफ चाहे जैसे भी थे कहीं ना कहीं दोस्तों एंटरटेनमेंट प्रदान कर रहे थे लोगों को, उनका टाइटल रेन दोस्तों काफी लेजेंडरी था। बात करेंगे दोस्तों इससे अगली न्यूज की, तो इससे अगली न्यूज आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी दोस्तों समर स्लैम के ऑफिशियल पोस्टर। ऑफिशियल पोस्टर आउट हो चुका है और इसके अंदर दोस्तों 3 बड़ी चीजें देखने को मिल रही है। सबसे पहली चीज, रिया रिपली रिटर्निंग एट समर स्लैम। यस इट्स कंफर्म्ड रिया रिपली इंजर्ड है और डब्ल्यू वालों ने दोस्तों यहां उन्हें फीचर कर दिया है, मानो समर स्लैम तक रिटर्न कर ही देगी। इससे पहले कई रिपोर्ट्स आई थी, कई फेक न्यूज आई थी कि रिया रिपली शायद नहीं लौट पाएगी, लेकिन इस पोस्टर ने साफ कर दिया है कि समर स्लैम में वो होने वाली है। दूसरी बड़ी चीज, कहीं ना कहीं द मिज एंड आर्थ्रूथ चैंपियनशिप लूज नहीं करने वाले, उन्हें फीचर किया जा रहा है। भला द मिज को यहां फीचर करने का क्या मतलब, ऑब्वियसली वो चैंपियन है तभी उन्हें फीचर किया जा रहा है और हो सकता है कि समर स्लैम तक वो चैंपियन ही रहे और इस वक्त उनके मैच भी डब्ल्यू वाले नहीं करा रहे। तीसरी बड़ी चीज, डेमियन प्रीस्ट इसमें से गायब है। तो डेमियन प्रीस्ट हार सकते हैं गाइज, डेमियन प्रीस्ट को दोस्तों डिसरिस्पेक्ट किया डब्ल्यू वालों ने मेरे हिसाब से, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है और समर स्लैम के पोस्टर में रखा नहीं, उनकी जगह जेड कारगिल देखने को मिल रही है और देखने को मिल रहे हैं द मिज, लेकिन डेमियन प्रीस्ट नहीं है जो कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है हमारे। तो कहीं ना कहीं ये भी सूचेगा ये जल्द वो चैंपियनशिप हार सकते हैं और इसीलिए उन्हें फीचर नहीं किया गया है। हम बात करेंगे दोस्तों इससे अगली न्यूज की, तो इससे अगली न्यूज आज के हमारे जुड़े वो जुड़े दोस्तों मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू से। तो गाइस मंडे नाइट रॉ का प्रीव्यू काफी इंपॉर्टेंट है जाना, क्योंकि कल ट्रिपल एच काफी सॉलिड मैचेस हम लोगों को दिखाने वाले। सबसे पहला मैच होने वाला दोस्तों ईओ स्काई वर्सेस शेना बेजलर। शेना बेजलर दोस्तों एडवांस कर चुके, तो ये मैच होगा मेरे हिसाब से, इसके अंदर ईओ स्काई जीतेगी और वो आगे जाएगी। इसके बाद क्वीन ऑफ द रिंग का दूसरा मैच होगा, जोई स्टार्क फेस करेगी वॉल्केरिया को। आई थिंक इसके अंदर स्टार्क अच्छी परफॉर्मेंस तो देगी, लेकिन कहीं ना कहीं वॉल्केरिया न्यू कमर सुपरस्टार है और इतनी जल्दी उन्हें हराना सही नहीं होगा, एक मैच वो जीत चुकी है इससे पहले। तो यहाँ मैं लायरा वॉल्केरिया को पिक करूंगा और वो क्वीन ऑफ द रिंग क्वालिफायर में जीतेगी। इसके बाद दोस्तों होगा हमारा समय मैच ऑफ द इवनिंग, जो कि रहने वाला दोस्तों गंठर वर्सेस कॉफी किंगस्टन। वेल गंठर वर्सेस कॉफी किंगस्टन बनाना कहीं ना कहीं सूचक है इस बात का कि डब्ल्यू वाले नहीं चाहते थे कि रे मिस्टीरियो गंठर से हारे। यहाँ साफ साफ बता रहा हूँ इसके अंदर मेरे हिसाब से गंठर जीतने वाले हैं और किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में वो और भी आगे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग रहेगा पंक एंड ड्रू मैकइंटायर की वही सब मजाक। तो गाइस ड्रू मैकइंटायर सीएम पंक के बीच में मजाक चल रहा है, कभी कोई किसी के पीछे भागता है, कोई किसी के पीछे भागता है, हालांकि इनके प्रोमोस काफ़ी सॉलिड रहते हैं, मज़ा आता है। तो ये एक दूसरे का फिर से मजाक उड़ाते हुए हम लोगों को नजर आ सकते हैं और गाइज हमें एंटरटेनमेंट प्रदान कर सकते हैं। मेन इवेंट की बात कर लेते हैं, तो गाइज डेमियन प्रीस्ट को मैं यहाँ साइड रखूंगा मेन इवेंट से, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट का भी क्लियर नहीं हो पाया है कि वो किसे फेस करने वाले हैं, तो मे बी उनका बैकस्टेज सेगमेंट कोई एक हो सकता है। मेन इवेंट में दोस्तों होगा मेरे हिसाब से किंग ऑफ द रिंग का मैच, तो ये मैच कन्फर्म्ड है, ये होने वाला है जियोसो का, जो कि ड्रैगनोव को फेस करने वाला है। ड्रैगनोव काफी तगड़ा सुपरस्टार है गाइस, सच्ची बात बताओ बहुत तगड़ा सुपरस्टार है, जियोसो को बहुत मुश्किल रहेगा इसको हराना, लेकिन अगर कोई इंटरफेरेंस नहीं होती आई थिंक इसके अंदर जियोसो ही जीतने वाले हैं और वो आगे एडवांस करेंगे। तो जियोसो वर्सेस ड्रैगनोव काफी तगड़ा ड्रीम मैच हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब आज कितनी मेन खबर की, दोबारा इस मेन खबर जो आज की मैच जुड़ी हुई है वो जुड़ी है सोलो वर्सेस रोमन चैंपियनशिप वाले मैच से। तो गाइज अब ये लग रहा है कि चैंपियनशिप का मैच होगा। हाल फिलहाल में दोस्तों आपने देखा होगा पॉल हेमन को सोलो ये चीज कहते हुए नजर आते कि रोमन रेंस ने हमारी चैंपियनशिप लूज की रेसलमेनिया में, ये अपने आप में सूचक है कि सोलो उसे अपनी चैंपियनशिप भी मानते थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये उन्हें आगे जाकर अपॉर्चुनिटी दिलाएगा, ये चीज तो प्रीटी मच श्योर है, और आगे जाकर कोडी वर्सेस सोलो बनेगा। अब इस समर स्लैम को होने में टाइम है, रोमन रेंस के मैच को होने में बहुत ज्यादा टाइम है। यहां कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि सोलो कोडी को हरा दे, चूंकि उनके पास एक नई ब्लड लाइन है, और जब रोमन रेंस वापस लौटे तो हमें सोलो वर्सेस रोमन रेंस देखने को मिले। यहां दोस्तों सोलो कह रहे हैं कि मैं इंचार्ज हूं और रोमन रेंस ने मुझे इंचार्ज बनाया,
लेकिन उनकी आंखें साफ बता रही है कि वो झूठ कह रहे हैं। यही एक रीजन बनेगा दोस्तों इनकी राइवलरी का। और अगर आप इस बात से सहमत है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे मुझे तो यही लग रहा है। और गाइज हो सकता है कि आगे जाकर दोस्तों आप लोगों को इन दोनों का मैच देखने को मिले अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। रोमन वर्सेस सोलो अपने आप में काफी बड़ा बिग मनी मैच है और कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमें ब्लड लाइन के फ्यूचर के बारे में बताएगा। आपके अकॉर्डिंग दोस्तों कौन बढ़िया ट्राइबल चीफ रहा है कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज कितनी थी वेल दोस्तों आज तक के लिए धन्यवाद शुभ है।